अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी को डिजिटल फैसिलिटी चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा व्हाट्सएप के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीक से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हुई है, बहुत सारे बंदे टेंशन में है कि व्हाट्सएप जो है वो हमारा जो प्राइवेट डाटा है या प्राइवेसी है वो लीक करना शुरू कर देगा 8 फरवरी से। तो क्या हम व्हाट्सएप को यूज़ करें या इसकी जगह पे दूसरा जो ऐप है, सिग्नल है, टेलीग्राम है या कोई और ऐप है, वो वाला हम यूज़ करें? क्योंकि आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे ये वाला मैसेज आपको रिसीव हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो बहुत जल्द आपको ये रिसीव हो जाएगा। आपने इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट करने करोगे तो 8 फरवरी के बाद आप जो है व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको एक्सेप्ट करोगे तो ही आपका जो व्हाट्सएप सर्वर्स है वो आगे कंटिन्यू होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपके जो डाउट है वो क्लियर करने की कोशिश करूँगा और साथ में ये भी बताऊँगा कि मैं जो है कौन से वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा या मुझे कौन से वाला अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड, मैं आपको बताता चलूँ कि आपके जहन में जो सबसे बड़ा डाउट है वो यही है कि हम जो चैट करते हैं या ऑडियो मैसेज या वीडियो या कोई भी बात करते हैं, वो व्हाट्सअप जो है वो दूसरी कंपनी के साथ, जैसे कि फेसबुक है या यूट्यूब है या गूगल के साथ शेयर करेगा। तो फ्रेंड, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि हम आम पोस्ट शेयर करते हैं फेसबुक पे या वीडियो यूट्यूब पे, तो ऐसा कोई भी चीज़ वो शेयर नहीं करेगा। वो सिर्फ़ आपका जो मोबाइल का लोकेशन और आईपी एड्रेस है वही चीज़ शेयर करेगा इनके साथ। वो भी इसलिए क्योंकि वो अपने बिज़नेस को बूस्ट देना चाहता है। वो आपका सिर्फ इंटरेस्ट जो है वो शेयर करेगा कि आप किन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हो, यानी कि आप कौन सी चीज़ खाना पसंद करते हो, कौन सी चीज़ देखना पसंद करते हो, क्योंकि वो इसी से रिलेटेड जो है वो आपको ऐड दिखाएगा या वीडियो वगैरह जो है वो आपको दिखाएगा। इसीलिए क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी एप्लीकेशन जब हम डाउनलोड करते हैं तो वो स्टार्टिंग में ही हमसे सारा परमिशन ले लेती हैं और हम जल्दी जल्दी उनको एक्सेप्ट एक्सेप्ट और एग्री पे क्लिक कर देते हैं। तो व्हाट्सएप पहले ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब जब हम व्हाट्सएप को डाउनलोड करेंगे तो वो हमें स्टार्टिंग में हमसे ये सारा परमिशन लेगा। तो फ्रेंड, मैं जो है नेक्स्ट फ्यूचर में भी व्हाट्सएप ही यूज़ करूँगा, क्योंकि ये जो है वो हमारा कोई भी ऐसा प्राइवेसी डाटा जो है वो शेयर नहीं करेगा जैसा कि हमारे जहन में है। ये सिर्फ हमारी लोकेशन और आईपी एड्रेस शेयर करेगा, वो भी जो है हमारे फ़ायदे के लिए, यानी हमारी इंटरेस्ट के लिए, उसी को चीज़ को देखते हुए कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, कि हम किस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, उसी से रिलेटेड हमें वीडियो और जो ऐड होते हैं, इश्तिहार होते हैं, वो वाले दिखाएंगे। तो फ्रेंड, सिर्फ इतना सा है। बाकी जो है जिस साल 2021 का अपडेट आया था तो कुछ लोगों ने इसको जो है वो नेगेटिव वे में जो है वो लेके शेयर कर दिया, जो कि वायरल होता होता अब एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन में चेंज हो गया है। तो फ्रेंड, मैं तो व्हाट्सअप ही यूज़ करूँगा। अगर आपका ये वीडियो देखकर डाउट क्लियर नहीं होता तो आप वेट कर सकते हो 8 फरवरी तक का, तो आपका जो सारा डाउट है वो उससे पहले पहले इंशाल्लाह उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी व्हाट्सएप ने बहुत सारा जो है इसके बारे में वजाहत करना शुरू कर दी है। हो सकता है कि आप भी वो वाली वजाहत पढ़ें और आपका भी अच्छे से कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूँ।